ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। हेलो दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे जैज के बारे में। होंडा की तरफ से पेश की गई एक प्रीमियम हैचबैक जिसकी कि पहले काफ़ी सारी चीज़ें आती थी, जिसके अंदर अब कुछ चीज़ें पिछले इसके संस्करण में हटा दी गई थी। अब जो नया संस्करण आया उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और नई पेश की गई हैं, क्या वो अब कुछ खरी उतर पाई अपनी उम्मीदों पे, जिससे कि इसकी सेल में कुछ इजाफा हो या पिछली जो कमियां थी वो दूर हो पाई हैं, या कुछ बदलाव जो किए गए हों क्या हैं, उसके बारे में आज बात करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैज 2020, इसके अंदर दोस्तों तीन चीज़ें मेन हमारे सामने आई हैं। सबसे पहली बात कि इसके अंदर जो ट्रिम्स हैं वो कम कर दिए गए हैं, यानी कि अब वी, वी एक्स और जेड एक्स ट्रिम्स रह गए हैं, जिनके अंदर की तीनों के अंदर हमारे पास CVT ट्रांसमिशन की सुविधा भी साथ में आ गई है। दूसरी दोस्तों सबसे बड़ा चेंज इस गाड़ी के अंदर ये है कि इसके अंदर पुराना 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन बंद कर दिया गया है और नया कुछ भी नहीं आया, यानी कि डीजल इंजन की ऑप्शन इसके अंदर बंद कर दी गई है। अब सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन है, वो पेट्रोल इंजन कौन सा है उसके बारे में आगे बात करते हैं। तीसरी बात इसके अंदर दोस्तों एक सनरूफ की सुविधा भी हमें देखने को अब मिलेगी, जो पहले नहीं थी इसके अंदर, सिर्फ और WRV से शुरू होती थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसके पहले प्राइसेस से, उसके बाद आगे चलते चलेंगे इंटीरियर एक्सटीरियर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और अब क्या खासियतें इसके साथ जुड़ गई। लास्ट में देखेंगे कि अब क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। बात करते हैं दोस्तों, प्राइस 7,50,000 से अब शुरू हो रहा है वी वेरिएंट का इसका, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में है। पिछले वी वेरिएंट से ये 5,000 रुपये महंगा है। अब वी CVT ट्रांसमिशन जो है वो 8,50,000 रुपये का है, जो 15,000 रुपये महंगा है पिछले वाले CVT ट्रांसमिशन से। अब इसके ऊपर आ जाता है वी एक्स मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि अब है 8,10,000 का, जो 21,000 रुपये महंगा है। वी एक्स CVT जो आ रहा है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये महंगा हुआ है पिछले वाले BS4 से। 9,09,000 का पहले था, 9,10,000 रुपये का अब ये संस्करण आ रहा है। अब बात करें दोस्तों जो टॉप वेरिएंट आते हैं उसके अंदर, ZX मैनुअल ट्रांसमिशन जो है 8,74,000 रुपये का है, जो पहले नहीं आता था। अब ZX CVT भी आ रहा है। ZX CVT ट्रांसमिशन जो है दोस्तों वो टॉप वेरिएंट है अब, सबसे ज़्यादा बड़ा या फुल बेल्स एंड विसल के साथ 9,74,000 रुपये का अभी हमें पड़ रहा है। अब दोस्तों चेंज बात करते हैं, जो चेंजेस आए हैं इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले तो मैंने वेरिएंट्स बताए, अब बात करते हैं दोस्तों एक्सटीरियर में जो देखने वाले चेंजेस हमें नज़र आएंगे। सबसे पहला तो बम्पर चेंज किया गया है इसका, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, कुछ ज़्यादा दूर से पता भी नहीं लगेगा कि क्या चेंजेस हैं। सबसे बड़ा चेंज जो है हेक्सागोनल ग्रिल के अंदर जो डिज़ाइन है उसके अंदर जो अब फॉग लैम्प्स हैं वो LED कर दिए गए हैं, जो कि इसके अंदर ही हाउस किए गए हैं। अब थोड़ा सा ऊपर अगर हम आए तो जो हेडलाइट्स हैं उसके अंदर LED DRLs को अब शामिल कर दिया गया है। बाकी कोई खास चेंज इस गाड़ी के अंदर नहीं है। ओवरऑल बम्पर की लुक थोड़ी सी चेंज की गई है। अगर दूर से BS4 या BS6 गाड़ी हम जैज को आती देखेंगे तो कुछ भी हमें खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म और इसका बेसिक डिज़ाइन चेंज नहीं किया गया है। तो साइड प्रोफाइल के अंदर भी कुछ भी हमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ना ग्लास एरिया, ना नीचे का डिज़ाइन, कोई एलिमेंट्स या कोई कर्व्स, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब वैसा का वैसा ही है। इवन कि अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी वैसे का वैसे इंटैक्ट रखा गया, उसके अंदर भी कोई बदलाव नहीं किया गया। रियर के अंदर भी गाड़ी वैसी की वैसी है। पिछले संस्करण के अंदर इसके LED टेल लैम्प्स इंक्लूड किए गए थे, वो वैसी की वैसी इसके अंदर शामिल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बेसिक गाड़ी का डिज़ाइन कुछ भी चेंज नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसकी फ्रंट ग्रिल के ऊपर थोड़ा सा काम किया गया है, और वो भी फाइबर है, बेसिक मेटल के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। तो एक्सटीरियर से हम इंटीरियर की तरफ चलते हैं। इंटीरियर में अगर हम देखेंगे तो कुछ भी चेंज वहाँ भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। आप दरवाज़ा खोलोगे गाड़ी का तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप BS6 गाड़ी में हैं, BS4 में, सेम ही गाड़ी है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। कोई सीट्स के अंदर फ़र्क नहीं है। मैजिक सीट्स जो पहले हटाई गई थी वो भी ऐड दोबारा नहीं की गई हैं। तो मोर और लेस दोस्तों गाड़ी ये वैसी की वैसी है, बस इसके अंदर क्या चेंज है नया, बेस वेरिएंट से ही इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल को शामिल कर दिया गया है, ऑटो AC, पैडल शिफ्टर CVT के लिए,
7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ हमारे पास पेश किया गया है वो इसके अंदर मिल जाएगा। हमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और एक इलेक्ट्रिक सनरूफ जो कि सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट यानी कि ZX के अंदर हमें मिल पाएगी, जिसके लिए हमें बेस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के 8,74,000 रुपये और 1,00,000 रुपये और ज़्यादा ZX CVT की में खर्चना पड़ेगा 9,74,000 रुपये। तो दोस्तों अगर सारी चीज़ों को देखें इनको तो गाड़ी में कुछ खास चेंजेस नहीं है। हाँ, फीचर्स ज़रूर बढ़ा दिए गए हैं बेस वेरिएंट के अंदर। सेफ्टी के अंदर देखा जाए तो दोस्तों इसके अंदर 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स और इसके साथ स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये सारा कुछ ही स्टैंडर्ड रखा गया है। और इसके अंदर ये क्योंकि ये कंपलसरी है अब इतने सारे फीचर सेफ्टी के लिए देना, तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड ही कर दी गई हैं। अब दोस्तों इसके जो इंजन है उसकी बात करूँ तो 1.2 लीटर का इंजन इसके अंदर आ रहा है, 90 PS की पावर जनरेट करने वाला, 110 Nm की टॉक वाला इंजन जो कि 5 स्पीड के मैनुअल और 7 स्पीड के CVT के साथ आ रहा है। ये वही इंजन है दोस्तों जो WRV में हमने देखा था। अब इसके अंदर जो 1.5 लीटर वाला 100 PS की पावर 200 Nm के टॉक वाला इंजन जो पहले डीजल में आता था वो बंद कर दिया गया है। तो माइलेज की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो 16.6 की माइलेज मैनुअल में और 17.6 की इसके अंदर ARI सर्टिफाइड हमारे पास CVT में दी जा रही है। अब प्रैक्टिकली कंडीशंस में क्या आती है वो देख के पता लगेगा। अब दोस्तों इसका मुकाबला ग्लांजा, बलेनो, i20 और अल्ट्रोज से हो रहा है। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो सीधे सीधे तौर पे सिर्फ एक अल्ट्रोज ऐसी कार बची है जिसके अंदर पेट्रोल और डीजल दोनों के वेरिएंट आ रहे हैं। हाँ, हालांकि थोड़े दिनों में फेस्टिव सीजन में जब i20 लॉन्च हो जाएगी तो वो पेट्रोल डीजल दोनों के साथ आएगी, फिर दो गाड़ी हो जाएंगी। फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी है जिसमें पेट्रोल डीजल दोनों आ रहे हैं, वो वही है एक ही अल्ट्रोज। तो दोस्तों अब निष्कर्ष की बात करें कि क्या ये गाड़ी अब वैल्यू फॉर मनी बन गई है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें कमियां काफ़ी सारी थी पहले, एक चीज़ और ऐड कर दी गई लेकिन वो कमियां दूर नहीं हो पाई। सबसे पहली बात दोस्तों इसके अंदर 7.5 लाख रुपए से जो वेरिएंट शुरू हो रहे हैं वहीं पर अगर हम देखें तो इसके जो राइवल्स हैं उनकी 5 और 6 लाख के बीच में जो शुरू हो रहे हैं तो वो बहुत बड़ी कमी है। इसके अंदर से मैजिक सीट्स हटा दी गई थी वो इसके अंदर शामिल नहीं की गई, वो कमी है। डीजल इंजन के ऑप्शन ख़त्म कर दी गई और इसके अंदर दोस्तों जो लोअर ट्रिम्स हैं इकोनॉमिकल रेंज के ट्रिम्स इसके अंदर नहीं हैं, तो इसकी सेल के अंदर कोई इजाफा होने के मेरे को ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे। आप बताइए आपको क्या लगता है। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।